तुम इंटर कॉलेज में स्विमिंग चैंपियन रह चुकी हो, तीन तीन बार गोल्ड मेडल जीता है तुमने, तो तुम एज अ स्विमिंग कोच हमारा क्लब ज्वाइन करोगी? एक काम करती हूँ, मैं खुद तुम्हारे क्लब में आती हूँ और फिर आके डिसाइड करती हूँ कि मुझे एज अ कोच वहाँ पे ज्वाइन करना है या नहीं, ठीक है? सॉरी सर, 8 नंबर स्टॉक में नहीं है। आप एक काम कीजिए, आपका एड्रेस दीजिए, मैं हमारी दूसरी दुकान से मंगवा कर 1 घंटे में आपके यहाँ पहुँचा देता हूँ। अपने एरिया में से हर व्यापारियों ने चिंदा लिखवा है, ये रसीद बुक यहाँ रख के जाता हूँ। आप अपने सेठ जी को दिखाइए, मैं 1 घंटे के बाद वापिस आता हूँ। क्या भाई, क्या 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 देख के हंसी आ रही है? अरे अभी भी हंसा है। निकलो निकलो इधर से, निकलो चलो। जी मेरी बात सुनिए, तुम निकलो इधर से, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, तुम निकलो चलो चलो। अरे सेठ जी, वो चंदा मांगने वाला नहीं था, वो तो मल्होत्रा सेठ का मैनेजर था। अंजलि भाभी, एक बहुत एक्साइटिंग बात है, तुम्हें आप सबसे जल्द से जल्द मिलना चाहती हूँ। अच्छा, क्यों, कोई खास बात? अंजलि भाभी, आप सबको घर पे बुला लीजिए, मैं वहीं पे आके बताती हूँ। हाँ हाँ अंजलि भाभी, 1 घंटे के बाद आपके घर पहुँच जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, हेलो हेलो, टप्पू के पापा। हाँ बोल दे। सॉरी। ओके। अरे अरे, अब पूछे तो सही, मैंने किस लिए सॉरी बोला? क्यों पूछने पर ही बताएगी तू? नहीं तो फिर बताना भाई, सॉरी क्यों? देखिए, आज सुबह से बहुत परेशान हुआ है ना, गीजर से लेके गैस का सिलेंडर तक, फिर बापूजी का चप्पल टूट गया और ऊपर से आपको मेरी चप्पल पहनकर दुकान जाना पड़ा। तो ये सब तूने करवाया था? नहीं नहीं। तो फिर तू क्यों सॉरी बोल रही है? आपको तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी ना, तो बुरा लग रहा था। ओके ठीक है। अरे सुनिए सुनिए, 1 घंटे के बाद आपको मेरा कुछ भी काम हो ना, तो वो आप मुझे अभी बता दीजिए। क्यों, 1 घंटे बाद तू भूगर्भ में समाधि लेने वाली है? अरे नहीं, उतनी फुर्सत कहाँ है। 1 घंटे के बाद बबीता जी ने हमारी महिला मंडल की मीटिंग बुलाई है। क्यों? वो तो नहीं पता, बस मीटिंग बुलाई है। अरे लेकिन कुछ तो बोला होगा ना कि मीटिंग में आके हम ये बात करेंगे वो बात करेंगे। नहीं कुछ बताया नहीं, बस अंजलि भाभी के घर पर 1 घंटे के बाद मिलना है। अच्छा तो फिर मीटिंग में क्या बात होती है, मुझे जरा फोन करके बताना, ठीक है? हाँ हाँ जरूर, चलो फोन रखती हुआ, जय जिनेन्द्र। बबीता जी ने मीटिंग क्यों बुलाई होगी? तो मैंने आप सब लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है, ये बताने के लिए कि मैंने सिल्वर क्लब ज्वाइन किया है स्विमिंग सिखाने के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग वहाँ पे मेरे साथ आए। हम सब भी आए आपके साथ सिखाने? अरे नहीं रे भाभी, सिखाने नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग वहाँ पे स्विमिंग सीखने आए। यानी आप हम सबको स्विमिंग सिखाएंगे? बबीता, यू नो व्हाट, मेरा तो बचपन का सपना है स्विमिंग सीखने का, और मुझे थोड़ी थोड़ी आती भी है। ओ ओ गुड, लेकिन मुझे पानी से डर लगता है। ओहो, अरे कोमल भाभी, आपको डरने की क्या जरूरत है, अगर आप पानी में डूबने लगेंगे तो बबीता जी आपको बचाने के लिए भूसका मारेंगी। भूसका मार के? भूसका, भूसका मतलब आप कूद के उनको बचा लेंगी। ग्रेट, हाँ तो चलेगा। और मैं आप सबको 2 दिन में स्विमिंग सिखा दूंगी, ये तो बहुत मजा आएगा। लेकिन वहां सब जेंट्स होंगे तो मतलब थोड़ा और लगेगा ना वो कपड़े स्विमिंग के, तो डोंट वरी माधवी भाभी, क्लब में 1 से 3 की टाइमिंग सिर्फ लेडीज के लिए है, तो वहाँ पे कोई जेंट्स नहीं आने वाला है। अरे वाह माधवी भाभी, सिर्फ लेडीज होगी फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ ऐसा है या? अरे भाई मैं तो तैयार हूँ। क्या है, मेरी माँ कहती है कि जिस औरत को खाना बनाना आता है ना, उसका संसार कभी नहीं डूबता, और जिसको तैरना आता है ना, उसकी जिंदगी कभी नहीं डूबती। तो मैं तो आऊंगी। क्या बात है, पर दया भाभी आपको तैरना आता है? हाँ हाँ, अरे मैं तो गांव के कुएं में रोज भूसका मारती थी और मगर से रेस लगाती थी। मगर, मगर से? भाई गो मगरी बराबर। दया भाभी,
कुएं में मगर? मगर मतलब क्या है? मेरे मामा के बेटे का नाम जिगर है, हम लोग प्यार से उसको मगर बुलाते हैं। तो उसके साथ मैं रेस लगाती थी, और वैसे भी कुएं में पानी 3-4 फुट ही है। मतलब देवबिन आपको तैरना नहीं आता है? नहीं नहीं, मुझे आता है तैरना, 3-4 फुट पानी होता है तो मैं तैर लेती हूँ। क्या हुआ? कहीं नहीं कहीं नहीं। अरे बस, तो फिर ये तैर रहा, कल से ही हम सब स्विमिंग सीखने जाएंगे। वैसे भी दोपहर में तो हम सब फ्री ही रहते हैं। हाँ हाँ बराबर है, और बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो ऐसे ही नींद लेने से अच्छा है कि हम स्विमिंग सीख ले। एग्जैक्टली, इनफैक्ट मैं आप सब लोगों को 50% डिस्काउंट भी दिलाऊंगी। लेकिन इसके पहले हमारे पतियों को मनाना पड़ेगा ना। अरे माधवी भाभी, हमारे हस्बैंड्स को मनाने की क्या जरूरत है, उनकी हमारे सामने चलती कहाँ है। वो सब तो ठीक है, पर हम लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स का क्या करेंगे? क्या करें मतलब रोशन भाभी, चलो अभी जगह खरीदते। भैया फोन क्यों नहीं उठा रही है? अभी तक चल रही है उनकी मीटिंग, बहुत टाइम हो गया। हेलो। हाँ हेलो दया, कब से फोन लगा रहा हूँ, क्या बहुत लंबी चली तुम्हारी मीटिंग? हाँ हाँ, बाद में हम लोग खरीदी करने के लिए गए थे। अच्छा अच्छा, क्या बात क्या हुई मीटिंग में? अब घर पर आइए फिर बताती हूँ। अरे घर तो बराबर है, अभी बताना फोन में भाई क्या बात हुई। अरे आप घर पर आइए तो सही, सब बताती हूँ, वैसे भी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा चलो। हेलो सुन सुन। नहीं नहीं देखिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारा काम है, चलो फोन रखती हूँ। ये दया बिना घड़ी के लोला की तरह बात को लटकती छोड़ दी, घर पहुँचने तक बेचैनी रहेगी मुझे। जेठालाल गड़ा। हाँ बोलो। ये लीजिए आपके जूते। हाँ वो 32 लोग का 701। हाँ हाँ वही वही। एक मिनट, एक कार्ड मेरा ही है ना। हाँ ये लीजिए। अभी तो आपका कुछ काम का नहीं है? नहीं। हाँ ओके थैंक यू। काय स्विमिंग सीख ले, अरे क्या वेट ला लेगा माधवी, और वो भी इस उम्र में। अरे आप ही तो कहते हो कोई चीज सीखने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। नहीं वो जो कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। अरे लेकिन मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी ले लिया है। मुझसे पूछे बगैर तुम सबके सामने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं। अरे आप चिंता मत करो, 1 से 3 का टाइमिंग सिर्फ लेडीज लोगों के लिए ही है। लेकिन माधवी। क्या लेकिन, देखिए बबीता जी डिस्काउंट भी दिलवा रही है हमें। अरे वो तो देगी ना, अभी ठंडी के मौसम में कौन आएगा स्विमिंग करने के लिए माधवी। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मुंबई में कहाँ ठंडी है। नहीं वो जो कुछ भी हो नहीं मंजे नहीं। और जरा सोचिए, वहाँ बड़े बड़े घर की औरतें आएंगी, फिर हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, और फिर हमारा अचार पापड़ का बिजनेस भी तो बढ़ेगा। नहीं नहीं नहीं, फिर भी मैं परमिशन नहीं दूंगा। तो ठीक है, यही जवाब सोसाइटी की सारी महिलाओं को देना। मतलब क्यों भूल गए किटी पार्टी के वक्त कैसे समझाने आए थे आपको? भिड़े भाई ये बात ना आप रोशन को समझाना, वो ना हमेशा मुझे फोर्स करता है कि मैं उसकी बात मानूं। अच्छा वैसे इस बात पे ना मैं जरा लकी हूँ। अब कल की ही बात ले लो, मैंने अय्यर को कहा कि मुझे किटी पार्टी जाना है तो उसने फौरन हाँ कर दिया। मुझे भी डॉक्टर साहब ने किटी पार्टी के लिए तुरंत हाँ कह दिया। कोमल भाभी, माधवी भाभी किटी पार्टी के लिए आ रही है ना? मुझे नहीं पता। भिड़े भाई माधवी भाभी किटी पार्टी में आ रही है ना? ना मतलब कोमल भाभी आप भी क्या, भीड़े भाई थोड़ी ना कहने वाले हैं, है ना? बिल्कुल, भीड़े भाई कभी भी माधवी भाभी को किसी बात के लिए ना नहीं करते। शिक्षक है ये, इस सुविचार की तरह स्त्रियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं ये, बरोबर ना भीड़े भाई? बरोबर बरोबर अंजलि भाभी, बिल्कुल बरोबर, समझ गया मैं, बिल्कुल समझ गया ये किसने लिखा है और क्यों लिखा है। सच कहूं तो गलती मेरी है।
मुझे माधवी को अपनी सोच पर चलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। करेक्ट। मुझे उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। हमेशा शिक्षक सबको सिखाता है, लेकिन आज पहली बार आप सबने एक शिक्षक को सिखाया। थैंक यू। और हाँ, माधवी किटी पार्टी में जरूर आएगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें स्विमिंग सीखने की परमिशन देता हूँ। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर मिश्रा, इस बार क्या प्रॉब्लम है आपको? डॉक्टर साहब, इस बार मेरे पेट में जलन बहुत हो रही है। तो मसालेदार खाना कम खाइए। तो फिर क्या खाऊं? कुछ भी खाइए, कम मसाले का। फल खाऊं? हाँ। और खिचड़ी? हाँ। पालक की सब्जी खा सकता हूँ डॉक्टर साहब? हाँ हाँ। और डॉक्टर साहब, दाल चावल? हाँ हाँ। और सूप? अरे मिश्रा जी, कुछ भी खाइए लेकिन मेरा सर मत खाइए। ये लीजिए, दवा लिख दी है, इसको लीजिए। फिर भी ठीक नहीं होता है तो 2 दिन के बाद आइए, दूसरी दवा दूंगा। जी डॉक्टर। हाँ, भूखा पेट बिल्कुल मत रहिए। जी ठीक। जी जी। बिल्डिंग की सारी औरतें स्विमिंग सीखने जा रही है, मुझे भी जाना है। वो सिल्वर क्लब वाले हैं ना, मेंबरशिप पे डिस्काउंट दे रहे हैं। हंस, में पूरे दिन का खाना बनाकर जाऊंगी, मुझे प्लीज जाने दो। इट्स ओके। थैंक यू हंस। हंस तुम कितने अच्छे हो, मुझे स्विमिंग सीखने की परमिशन दी तुमने। लेकिन कोमल, तुम्हें खाना ज्यादा बनाना पड़ेगा। क्यों? क्यों क्या भाई, स्विमिंग के बाद भूख लगती है। हंस, मैं स्विमिंग सीखूंगी तो तुम्हें क्यों ज्यादा भूख लगेगी? तुम्हें तो लगेगी ना। हंस, तुम खाने के अलावा कुछ और नहीं सोच सकते। सोचता हूँ ना तुम्हारे बारे में। क्या सोचते हो? यही कि तुम एप्रन पहनकर किचन में तरह तरह की मेरे लिए डिशेस बना रही हो। हंस, यहाँ भी खाना। ओए रब्बा। ओए पापा जी। सुन रोशन। सुना रोशन, की गल है, आज बड़ी रोमांटिक शोमांटिक मूड में लग रही है। रोशन, मेरे को ना तेरे से एक बात की परमिशन लेनी है। ओए रोशन, तुझे परमिशन लेने की क्या जरूरत है? हा? तेरे को जो करना वो करना। ठीक है, तो कल से मैं स्विमिंग के लिए सिल्वर क्लब ज्वाइन कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं। पर क्यों नहीं? ओ, क्योंकि मैंने सुना है स्विमिंग करने से लोग काले हो जाते हैं यार। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है बाबा। लेकिन मैं तुझे स्विमिंग की इजाजत नहीं दूंगा। रोशन, अभी तो तूने कहा था कि मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं यार। रोशन, तुझे मालूम है स्विमिंग करना ना बहुत जरूरी होता है। ओए रोशन, स्विमिंग सीखना इतना जरूरी क्यों है? रोशन, तूने वो फिल्म देखी ना 2012 में आखिरी दुनिया ना डूब जाने वाली है, और मुझे तो स्विमिंग आती नहीं है। ओए रोशन, ओए अपनी सेफ्टी के लिए तू स्विमिंग सीख ले यार। सच्ची? थैंक यू रोशन, आई लव यू सो मच। आई लव यू 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन ये तो बता, स्विमिंग कब से सीखने जा रही है? कल से। ओके, चल जा फिर मौज कर हां सेफ्टी के लिए। ले टप्पू, कल से हमारी मम्मियां स्विमिंग सीखने जाने वाली है, हमें भी जाना चाहिए ना स्विमिंग सीखने। ए पेटू, तुझे तो ऐसे इतनी भूख लगती है, अगर तू स्विमिंग करेगा तो तुझे डबल भूख लगेगी। हाँ, और फिर तू डबल खाएगा और तू खा खा के ज्यादा मोटा हो जाएगा। और वैसे भी हमारी मम्मी के स्विमिंग का टाइम 1 से 3 का है, और उस वक्त तो हम स्कूल में होंगे। हाँ, वैसे भी स्कूल ट्यूशन में हमारा बहुत टाइम जाता है। हाँ, और बड़ी मुश्किल से तो थोड़ा वक्त खेलने मिलता है, और अगर ये सब सीखने जाएंगे तो खेलेंगे कब? बिल्कुल, यू आर राइट। हम जो कुछ भी सीखेंगे सब वैकेशन में सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स। ओके। पाई गया तारे अबे दया। अरे आ गए टप्पू के पापा। हाँ। अरे मैं आपकी राह देख रही थी। आता मैं आ गया। बोल बोल बोल। क्या बोलू? अरे वाह, बबीता जी की मीटिंग में क्या बात क्या हुई? बोल। हाँ हाँ, मैं आपको वही बताने के लिए राह देख रही थी। हाँ तो मैं आ गया ना, अभी बोल चल। हाँ हाँ, बबीता जी है ना? हाँ है ना। हाँ, तो बबीता जी ने सिल्वर क्लब में स्विमिंग सिखाना चालू किया है।
बबीता जी स्विमिंग सिखा रही है? और उन्होंने कहा कि आप लोगों को स्विमिंग सीखना हो तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। बबीता जी स्विमिंग सिखाने के लिए तैयार है? हाँ, सीखना है सीखना है। अरे तैरना क्या बबीता जी, डूबना सिखाएगी तो मैं वो भी सीखने को तैयार हूँ। तो मैं बबीता जी को हाँ बोल दूँ ना? अरे हाँ बोल दे दया, हाँ बोल दे। मुझे तो लगा कि आप मुझे जाने से मना करोगे। अरे मैं क्या पागल हूँ जो ऐसी बात में मना करूंगा है? बोल बोल, कभी है सीखने का, कभी चालू करने का? अरे कल से ही, दोपहर को 1 से 3 के बीच में। अच्छा तो कल मैं थोड़ा लेट नहीं दुकान पे ले जाऊंगा, फिर घर पे आऊँ। नहीं नहीं, काम करता हूँ मैं, सीधा दुकान से ही पहुँच जाऊंगा उधर सीधा। कहाँ? सिल्वर क्लब। नहीं नहीं, आप नहीं आ सकते। क्यों? बबीता जी सिर्फ लेडीज को सिखाने वाली है। और आप कहाँ लेडीज है? मतलब ये स्विमिंग सिखाने का जो ऑफर है वो सिर्फ लेडीज के लिए? हाँ। जेंट्स के लिए नहीं? ना। तो गड़बड़ है दया, सॉरी तू भी नहीं जा सकती। लेकिन मैं तो लेडीज हूँ। दया जाएंगे तो हम दोनों जाएंगे, नहीं तो तू भी नहीं जा सकती बस। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए, कहिए तो सही क्यों? क्यों? दया हमारे घड़ा खानदान की औरतें ऐसे अकेले स्विमिंग सीखने नहीं जाती। अरे लेकिन मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ, सोसाइटी की सारी लेडीज के साथ जा रही हूँ। दया नहीं मतलब नहीं। क्या भाई? क्या नहीं? नहीं कुछ नहीं बाबूजी। अरे बाबूजी देखिए ना, बबीता जी हम सोसाइटी की सारी लेडीज को स्विमिंग सिखाने वाली है, पर टप्पू के पापा मुझे जाने से मना कर रहे हैं। क्या ये क्या घर की स्विमिंग सीख क्या बाबूजी? घर में ऐसे तैरते तैरते ऐसे चाय लेके आएगी, ऐसा स्विमिंग करते करते रोटी परोसेगी, कोई फायदा नहीं स्विमिंग सीखने का। या बबूचक, हर इंसान को तैरना आना ही चाहिए। आपको आता है? हाँ। कभी सीखा आपने? बचपन में। बताया नहीं आपने? तू था तब। बापूजी आपको स्विमिंग आता है? हाँ तो, अरे बचपन में मैं अपने दोस्तों के साथ हमीरसर तालाब में तैरने जाता था। अरे पानी में ऐसी छलांग लगाता था कि सीधा 50-60 फीट दूर निकलता था। आया बड़ा, आपने कब सीखा? लेकिन बाबूजी बहू जाएगी। ये दया तो जाएगी कल स्विमिंग सीखने, मेरा क्या? मुझे भी बबीता जी से स्विमिंग सीखना है, क्या करूं? मेहता साहब, बबीता जी स्विमिंग सिखा रही हैं, ये सुनकर जेठालाल इस कदर खुश हैं जैसे पहली बारिश में मेंढक उछलता है। वैसे बबीता जी को देखते ही जेठालाल बिल्कुल पंख फैलाए मोर की तरह कई प्रकार के कर्तव्य दिखाने लगते हैं, और अब ये स्विमिंग वाली बात पे तो पता नहीं क्या क्या कर बैठे। वैसे मुझे लगता है कि जेठालाल इस स्विमिंग पूल में जरूर कूदना चाहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल असंभव है। ठीक वैसे ही मुश्किल जैसे आज के जमाने में बिना टेंशन के एक भी दिन गुजारना। लेकिन हम टेंशन की बात क्यों करें, हमारे लिए तो आपको हंसाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। लेकिन अभी मुझे एक टेंशन जरूर है, क्योंकि जेठालाल अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फायर ब्रिगेड यानी कि तारक मेहता यानी कि मेरे पास निश्चित तौर पे आने वाले हैं। अब देखते हैं जेठालाल के इस स्विमिंग पूल की कहानी में हास्य की कितनी लहरें हैं आपके लिए। गिनते रहिए और हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना?
चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।